Major Thompson, sir. Yes, Captain Sanders. Sir, Colonel Cornett ne keh to diya ki Malharrao Holkar ke lashkar ko Awadh tak na pahunchne diya jaye. Use raste mein hi rok liya jaye. Lekin Malharrao ka lashkar hai kahan? Ab tak to uska pata hi nahi. थॉमसन, यस कैप्टन, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। मल्हारराव होलकर के मराठा लश्कर ने अपनी छापामार लड़ाई से बड़ा परेशान कर रखा है। टू मच। हमारा जान और माल का नुकसान रोज बढ़ता जा रहा है। 20 रोज हो गए, कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा। क्या किया जाए? मेरी सलाह है कि कर्नल कार्नेट को ये इंफॉर्मेशन भेज दी जाए, देखते हैं वो क्या हिदायत देते हैं। ऑल राइट। मैं भी यही सोच रहा हूं क्रिस्टोफर, हम तंग आ गए, थक गए। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी लंबी हो जाएगी। हमारा ख्याल था हिंदुस्तान में दूसरी लड़ाइयां जिस तरीके से हम अंग्रेजों ने चुटकी बजा के जीती हैं, ये लड़ाई भी जीत जाती। जीतेंगे तो हम जरूर। बेशक, इन हिंदुस्तानियों को तो लड़ने का ढंग ही नहीं आता। हम नए तरीकों और नई चालों से लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन यहाँ कालपी में मल्हारराव होलकर के खिलाफ हमारी चालें नाकामयाब हो रही हैं। वजह जानते हो क्यों? क्यों? जब दुश्मन का लश्कर हमारे सामने आता है तो हम चाले चलते हैं, लेकिन मराठे तो सामने आते ही नहीं, छुप के छापे मारते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उनको शिकस्त देने का बस एक ही तरीका रह गया है। वो क्या? वो ये कि उन्हीं के तरीके
उन्हीं के खिलाफ इख्तियार किए जाएं। हम भी उन पे छापे मारेंगे, फिर देखना क्या होता है। चीयर्स। चीयर्स। राने खान, तुम देखना, हम इन विदेशियों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। महाराज। प्रणाम, क्या बात है? महाराज, श्रीमद मल्हार राव होलकर ने आपको याद किया है, कहा है जल्दी से जल्दी आलमपुर पहुंचिए। आलमपुर? लेकिन होलकर काका आलमपुर में क्या कर रहे हैं? वो कालपी में फिरंगियों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए। क्या? इस वक्त आलमपुर में है, वहां उनका इलाज चल रहा है। महाराज नहीं, महाराज आप फौरन रवाना हो जाइए। अय्या भाई सरकार तक खबर पहुंची कि नहीं? जी महाराज, इंदौर भी संदेश भेज दिया गया है। तुम जा सकते हो। जो आके। नहीं रानी खान। जी महाराज, हम श्रीमंत रघुनाथ राव से आज्ञा लेकर आलमपुर जाएंगे और हमारी गैर हाजिरी में तुम हमारे लश्कर के कमांडर होगे। जो हुक्म महाराज। ख्याल रखना।